अमन कायम हो जाए और वहाँ जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं वो रुके, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों। कि जब राकेट चलते हैं, बम गिरते हैं, तो वो बम नहीं देखते कि बुढ़ा मर रहा है कि जवान मर रहा है कि बच्चा मर रहा है कि औरत मर रही है, कौन मर रहा है, वो बम ये तो नहीं पहचानता। वो तो जो जद में आता है वो मर जाते हैं। तो इस तरह से देखा कि बाहर इसराइल की तरफ भी जो राकेट गया, वहाँ भी देखा कि कुछ बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई गई, और इधर तो हज़ारों मर चुके हैं अब तक, फिलिस्तीन में, गाज़ा में तो हज़ारों मारे जा चुके हैं अब तक। 50 साल के अरसे में 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को इसराइल मार चुका है। तो अमन कैसे कायम हो जाएगा जब तुम 1.5 लाख मार चुके हो, उसके बाद चाहते हो अमन तो कायम हो जाए? तो अमन उस वक्त नहीं। हमारी अपील यही है उनसे, हमारे जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड में बहुत बड़ी पावर है उनकी और दुनिया में उनका बहुत बड़ा असर, G20 के बाद से आपने देख लिया कि कितना दुनिया पर उनका असर है। ज़्यादा अपने असर को इस्तेमाल करके पहले तो वो जंग बंद करवाएं, उसके बाद टेबल टॉक हो, आपस में गुफ्तगू हो, और जो फिलिस्तीनियों का राइट है उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए, वरना ये हमेशा कायम रहेगा। आज उन्हें 2000 मार दिए, 2 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे, उनको मार दिया 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से अमन तो कभी कायम नहीं हो पाएगा, कभी कायम नहीं हो पाएगा, और इसराइल को कभी चैन नहीं मिल पाएगा। उनको अगर चैन और सुकून हासिल करना है तो उनको ये देखना होगा कि भाई इनके राइट क्या है, इनके अधिकार क्या हैं, उन अधिकारों का वो देखें। क्योंकि आप देखें कि टेंट्स में रह रहे हैं, 50-50 साल से टेंट में फिलिस्तीनी रह रहे हैं, उनको उनके घरों से निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो अब आप सोचें कि भाई वो सुकून से रहें तो ये कैसे हो सकता है? लिहाजा हम इसराइल को जो उनका हक है, इसराइलियों को, यहूदियों को, उनको मिल जाए, और जो इनका हक है इनको मिल जाए, अमन और शांति कायम हो जाए, यही हमारी अपने वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म से हमारी यही अपील है। All right.